सहबा कहाँ है? सहबा घर पे ही होगी, कमरे में होगी। गेस्ट आए हुए हैं डिनर पे और वो कमरे में बैठी, उसे बुलाओ। ऐसे इर्तिजा और सहबा आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई रविंद्र खान के इर्तिजा ने तुम्हारी फर्म ज्वाइन की है। इस हवाले से हमारी दोस्ती मजीद मजबूत होगी। बिल्कुल, अब तो फैमिली की तरह बात लगने लगी है। अरे मुनज़्ज़ा, अपने गेस्ट को सर्व करो। भाभी आपने कुछ लिया नहीं, कुछ और लेना प्लीज। थैंक यू सो मच। प्लीज इर्तिजा, फिश तो ट्राई करो, खास मंगवाइए। जी श्योर, ट्राई करता हूँ। हेलो एवरीवन। हाय। हेलो साहिबा, हाउ आर यू? गुड। बैठो, बैठो, डिनर करो हमारे साथ। मुझे भूख नहीं है। वो दरअसल इसने अभी सुपर स्नैक्स खाए थे ना, तो इसको भूख नहीं है। जरा सही बात बताया करो ना पापा को। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर भूख नहीं है बैठो तो सही। इर्तिजा तुम्हारा दोस्त है, इसे कंपनी दो। हाउ अबाउट हम डिनर के बाद कॉफी पे मिल लें? श्योर, साउंड्स लाइक अ प्लान। सी यू। सहबा, आई एम रियली थैंकफुल, तुमने मेरे और मुश्किल मामले में हमारी काफी सपोर्ट की। टू बी ऑनेस्ट, दोस्ती के मामले में तुम्हें काफी इमेच्योर समझता था, लेकिन तुम तो बड़ी सिंसियर निकली। तुमने मेरे और मुश्किल रास्ते हमवार करके हमारी वाकई बहुत मदद की। आई एम रियली ग्लैड। वैसे तुम ठीक कह रहे हो, दोस्ती के मामले में मैं बहुत सरपरी और शिद्दत पसंद हूँ। really? लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको मैं दिल से चाहती हूँ। गुड। लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम लोगों की ये फेक अप्रिसिएशन पाने के लिए नहीं किया है, ना ही तुम्हारी और मुश की मदद के लिए किया है। मुझे अपना एक काम था। अपने किसी मतलब के लिए? What do you mean? Let me explain. तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं मुश को कन्विंस कर दूं कि वो उस पार्टी में आ जाए, तो तुम मुझे नोमी के बारे में एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दोगे। इर्तिजा, आई एम रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं नोमी को इतने टाइम से जानती हूँ और मुझे ये बात नहीं पता, और तुम्हें ये बात पता है। हालांकि हम लोग पिछले 5-6 साल से एक दूसरे के साथ साये की तरह होते हैं, और तुम चंद दिनों पहले बाहर से आए हो। हाउ इज दैट पॉसिबल? कम से बताता हूँ। श्योर। देखो साहब, तुम एक लड़की हो, और लड़कियां चाहे कितनी भी लिबरल माइंडेड क्यों ना हो जाए, जब किसी को पसंद करती हैं, किसी से मोहब्बत करने लगती हैं, तो उसके बारे में काफी पोजेसिव भी हो जाती, अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं करती उसके आगे। मेरे हिसाब से ना, सारी लड़कियां ख्वाब देखने के मामले में एक जैसी होती हैं। कुछ समझी? नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे आराम से समझाओगे तो शायद समझ जाऊं। अब सहबा, ठीक से तो मैं तुम्हें तभी समझाऊंगा जब मेरे पास सारे सबूत होंगे। और मुझे लगता है तुम मेरी बात का तभी यकीन करोगे। कौन से सबूत? वेल, कुछ है सबूत जिन्हें देखने के बाद शायद कुछ अरसे के लिए तुम डिस्टर्ब हो जाओ, लेकिन आई एम श्योर ये वक्ती तौर पे होगा। यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू विल गेट आउट ऑफ इट। कब दोगे तुम मुझे ये सबूत? जब तुम कहो, जब तुम समझो कि तुम स्ट्रॉन्ग हो गई, यू लेट मी नो एंड आई विल गिव देम टू यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। इतना इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? ताकि अपनी सुबह खूबसूरत बना सकूं, हसीन बना सकूं। अच्छा सुने, मैं कॉलेज जा रही हूँ और अबूजी बाहर इंतजार कर रहे हैं।
अच्छा सुनो, अपने अबू से कहना कि तुम्हें आज कॉलेज लेने ना है। क्यों? क्योंकि आज कॉलेज के बाहर मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा और तुम अपने अबू जी से अपने जैसा कोई खूबसूरत बहाना बना देना। आप ना मुझे मरवाएंगे। तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे सामने तुम्हें खड़ा मिलूंगा। मुश्क डोंट वरी। अच्छा चलें, अभी फोन रख रही हूँ, 2 बजे मिलते हैं। हाय, अभी 2 बजने में बहुत वक्त है मुश्क, कैसे गुजरेगा ये टाइम? तुमसे नाराज क्यों होंगी? और तुमने मुझे क्यों मिस किया? सहबा, तुम्हें पता है मेरे पास इतना कुछ है तुम्हें बताने के लिए, इतना कुछ है तुम्हें बताने के लिए कि मैं बताती जाऊंगी तुम सुनते सुनते थक जाओगी। 2 दिन में इतना कुछ हो गया तुम्हारे पास बताने के लिए? नाइस। हाँ सहबा, बैठो बैठो, इधर आओ बैठो ना। सेवा सच तो ये है कि इस खूबसूरत अनोखे अजनबी से एहसास से तुमने मुझे मुतारिफ करवाया है, मैं कभी इससे पहले वाकिफ ही नहीं थी। तुमने मुझे मोटिवेट किया, वरना मैं कभी भी इत्तेजा की तरफ कदम ना बढ़ाती। तुम्हारी वजह से मेरे सोचने का अंदाज बदला है। तुम्हारी वजह से मैंने नई मंजिलों की तरफ देखा है। ये तुम थी जिसकी वजह से मैंने इस खूबसूरत एहसास को महसूस किया है। तुम्हारी वजह से मैंने इर्तिजा को पा लिया। सहबा, मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, हमेशा। ग्रेट, यानी हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, हमारी मंजिल भी एक ही है और रास्ता भी एक ही। खैर, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? नहीं सहबा, तुम्हें पता है मेरे घर वालों का, मेरे घर के माहौल का, फिर तुम ये सवाल पूछ रही हो। यानी नोमी सही कहता था। नोमी क्या कहता था? छोड़ो, नोमी की बात हम किसी और दिन करेंगे। तुम मुझे इर्तिजा से मुलाकात का तो बताओ। हाँ, मैं बताती हूँ तुम्हें उसके बारे में भी, लेकिन सहबा, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं डर रही हूँ कि तुम्हें बुरा ना लगे। नो नो, ऑफ कोर्स नॉट, मैं क्यों माइंड करूँगी, गो ऑन। देखो सहबा, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है, मैं इसीलिए तुम्हें ये बात बता रही हूँ। देखो, पिछले जिन दिनों तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी ना, तो मैंने एक बात फील की जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। नोमी का बिहेवियर ना कुछ अलग सा था, आई मीन ज़रा बदला सा, जैसे वो मुझसे दोस्ती करना चाह रहा हो, मेरे करीब आना चाह रहा हूँ। Enough with मुश्क, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। नोमी, हाँ नोमी तुम्हें पसंद करेगा, तुम जैसी लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करेगा। Are you kidding me? And you know what he thinks about you? तुम जैसी मुनाफिक ज़दा लड़कियों से उसे कराही अदाती है। You know what? He is right. वैसे तो अगरबत्ती नाम की डरी हुई सहमी हुई
लेकिन अंदर से उतनी ही चलाक और मतलब बरस। And you know what? He is 100% right.